हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अनलॉक द बेस्ट ऑफ दिल्ली। मेरा नाम है हर्षित। मेरा नाम है रोहन। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या दिल्ली के टॉप कैफेज गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि सैनिटाइजेशन प्रोसेस, सोशल डिस्टेंसिंग और टेम्परेचर चेक। और इसी के चलते हम आ चुके हैं ईस्ट दिल्ली के बेस्ट कैफे में, जिसका नाम है कैफे विंग। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। रोहन, जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस करी है वो बेसिकली इनका जो मेन्यू है वो डिस्पोजेबल है, सो दैट्स अ गुड थिंग। अनदर गुड थिंग इज कि उनकी जो कटरी है इट्स ऑलरेडी सैनिटाइज्ड, और जो प्लेट्स हैं वो भी सारी क्लिंगफिंड है, तो एवरीथिंग इज प्रॉपरली सैनिटाइज्ड। और हर एक टेबल में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि दे हैव सैनिटाइजर बॉटल्स, सो व्हिच इज आल्सो अ गुड थिंग। हर्षित, फिर कुछ ऑर्डर करें आप? हाँ यार, लेट मी आस्क देम कि उनका बेस्ट क्या है। चल ठीक है, तो टुडे इज मंडे एंड द टाइम इज रफली 2:30। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ की एम्बियंस इतनी फुल है, अभी भी सारे मतलब टेबल्स इनके फुल है, और एक फोटो शूट भी चल रहा है पीछे। सो प्रॉब्ली दैट्स द रीजन व्हाई दे आर द बेस्ट इन ईस्ट दिल्ली। सो जस्ट वेटिंग फॉर फूड, लेट्स सी कि हाउ इट डज इट टेस्ट्स। तो गाइज, हमारा खाना आ गया है इसलिए हमने मास्क उतार दिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहले फोटो क्लिक कर लो, बहुत दिनों के बाद निकले अभी घर से। ये 6 महीने कितना मिस किया मैंने इसे भाई। 6 महीने के बाद बाहर का अच्छा लग रहा है, और वो भी ऊपर से कैफे विंग्स में पास्ता, पिज्जा और शेक्स। बस 6 महीने में सब लोगों ने यही मिस किया है। वेरी टेस्ट करके बताते हैं। आंसू आ गए हर्षित की आंखों में, तो आंसू आ गए 6 महीनों के बाद। और इतने दिनों से जिद लगाई थी कि भाई कब बाहर जाना है, और आज फाइनली बाहर आए हैं, तो मैं भी एक बार टेस्ट कर लेता हूँ एक बार मेरा ब्राउनी शेक कैसा है। चलो भाई, अब थोड़ा खाना खाते हैं, फिर भी बैठ। देख सकते हो इसके अंदर सारी एग्जॉटिक वेजीज हैं, ऑलिव, मशरूम और कैप्सिकम। हम टेस्ट करके बताएंगे कैसा है, बहुत दिनों के बाद खा रहे हो और इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी ना इन दिनों। कहते हैं तृप्ति मिल गई, आज तृप्ति मिल गई पिज्ज़ा खा के। इतने दिनों से वेट कर रहे थे इस पिज्ज़ा का, और ऑनेस्टली कह रहा हूँ आज 6 महीने बाद कैफे विंग का खाना खा रहे हो, टेस्ट बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। ये जो कॉम्बिनेशन है पिंक सॉस का, आई डोंट थिंक इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन आपने किसी भी इटालियन कैफे में खाया होगा, एटलीस्ट दिल्ली में तो नहीं खाया होगा। बेस्ट। तो हम कैफे विंग से जस्ट अभी बाहर निकले हैं, और कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमारी चेकलिस्ट पे होती है, जैसे कि कैफे विंग में सैनिटाइजेशन प्रोसेस अच्छे से फॉलो किया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से मेंटेन थी। कुडोस टू कैफे विंग टीम कि उन्होंने सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स अच्छे से फॉलो किए हुए थे। तो बस मैं एंड में ये कहना चाहूँगा कि एक अच्छे आउटलेट की पहचान होती है कंसिस्टेंसी, और इनकी कंसिस्टेंसी 2010 से बिल्कुल सेम है। इनका सैनिटाइजेशन काफ़ी अच्छा है, इनका स्टाफ काफ़ी वेल ट्रेंड है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ खा सकते हैं। थैंक यू एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ अनलॉक द बेस्ट ऑफ दिल्ली।